इतनी बड़ी विष्णु भगवान की प्रतिमा कहीं नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पे भी नहीं, पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में। जब पहले पुराना टाइम था नहीं, वो सती प्रथा थी ना, तब जब राजा के या उनकी रानी अकाल हो जाती, राजाओं के सात लड़के थे जी, हाँ जी, तो राजा ने फिर मूर्ति के लिए जाते रहे ना, छः तो कामयाब नहीं हुए, वो तो ऐसे हो गए, सही आए नहीं, वापस तो नहीं आए, और साथ में ने ये मूर्ति लाई थी। कभी भूल कर भी इस पर मत, कई काल हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, झूठ जो एक बार ऐसा हमारे यहाँ बर्फ पड़ी, अच्छा, लकड़ी खत्म हो गई, लकड़ी कोयला कुछ नहीं था, एक ईंट को एक कारीगर 3 दिन में निकालता था। ऐसे हुआ ना, वो पानी में इतनी सी पिंडी दिखाई दी, उसने सपना दिया भाई मुझे ले जाओ तो पालकी में डालकर जहाँ मैं बजम हो जाएगा वहाँ बैठा दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। फिर से गाइस सभी के सामने आ चुका हूँ एक अच्छी प्यारी सी वीडियो लाने, और गाइस पीछे देख सकते हो कैसा माहौल बना हुआ है। आप सभी को पता है कि पिछली वाली आपने वीडियोस देखी, उसमें क्या था, उसमें हमने चंबा के जितने भी हिस्टोरिकल टेम्पल थे सभी विजिट कराए, और गाइस वैसे ही हम लोग आ चुके हैं चंबा के ऐतिहासिक और फेमस मंदिर, सभी लोग जानते हैं गाइस लक्ष्मी नारायण मंदिर, काफ़ी हिस्टोरिकल होने वाला है सब कुछ, तो सभी के साथ बात भी करेंगे, पंडित जी के साथ बातचीत भी करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। फिलहाल गाइज यहाँ का आसपास का व्यू आपको दिखा दूँ, तो सबसे पहले यहाँ गाइज पिछली वीडियोस में आपने देखा कि मतलब एक दो मंदिर हमें देखने को मिले, पिछली वीडियो में आपने इतना कुछ नहीं देखा होगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूँ मतलब काफ़ी बड़ा और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहने वाला है। गाइज मैंने एक हल्की वीडियो भी बनाई थी इस मंदिर के बारे में पीछे, और मैंने बोला था कि डिटेल वीडियो निकालूंगा, एक तो डिटेल वीडियो निकालने का टाइम आ चुका है। अभी गाइज जब हम पंडित जी के साथ बातचीत करेंगे ना, उनके साथ सब कुछ पूछने की कोशिश करेंगे कि कौन से मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति है, सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी जाएंगे हम मंदिर पंडित जी के पास। सो गाइज जैसे आप सभी ने देखा कि हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर विजिट करने आए हैं, और हमने आपको ना थोड़ा सा मंदिर का व्यू दिखाया, और बाकी जानने के लिए हम आ चुके हैं यहाँ मंदिर के पंडित जी के पास। पंडित जी नमस्कार। जय हो महाराज, ठीक है भगवान। जी जी जी, सुखी रखे। तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे इस पूरे मंदिर के बारे में, इस विशाल और इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में, तो आपने बताना है। जी, ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। जी जी, 1000, 10वीं सदी में बना, चंबा का राजा साहिल वर्मा ने बनवाया। हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी मूर्ति नारायण जी की है। हाँ जी। लक्ष्मी के चरणों में है, नीचे चरणों के बीच में, पास में लड्डू गोपाल है, आगे राधा कृष्ण जी है, इनके ऊपर छोटे नारायण जी हैं, और आजू बाजू में ये दिन और रात है, दिन रात। हाँ जी। ये गणेश जी हैं, बुद्ध जी हैं, बीच में गरुड़ भगवान जी हैं, जय विजय भगवान के द्वारपाल है, श्रृंगार जो लगा भगवान को सब गोल्ड का, और ये बाकी जी। तो गाइस अभी हमारे पंडित जी ने जितना कुछ भी आपको बताया, अभी हम आपको दिखाने वाले भी हैं, बट फिलहाल हम इनके साथ बातचीत कर लें उसके बाद। जी हाँ, इसमें ये 3 मंदिर विष्णु भगवान के हैं, 3 मंदिर शंकर भगवान के हैं, हनुमान जी का, काली जी का, जी बड़ी मूर्ति नारायण जी की, जी जी, लक्ष्मी के चरणों में। जी हाँ जी, पास में लड्डू गोपाल है, आगे राधा कृष्ण, इनके ऊपर छोटे नारायण जी है। अच्छा जी। आजू बाजू में दिन रात है, दिन और रात, रात ये दिन ये रात। अच्छा, अभी ये दिन और रात की भी स्टोरी जानना चाहेंगे। दिन और रात, और भगवान के 4 मुख हैं इनके, भगवान के 4 मुख। जी, सी ब्रा, आगे नारायण जी का इनके पीछे विराट रूप है जिसे दिखाते नहीं। जी हाँ, और श्रृंगार जो लगा भगवान को सब गोल्ड का है। जी, और बाकी ये चांदी है, ये गणेश जी हैं, बुद्ध भगवान जी हैं, बीच में गरुड़ भगवान जी हैं, जय विजय इनके द्वारपाल हैं। सो गाइस जैसे आपने सभी मूर्तियां देख ली, अभी फिलहाल जैसे कि हमारे पंडित जी ने बताया कि दिन और रात, तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि दिन और रात ये क्या चीज़ है? ये चंद्रमा और सूर्य। जी 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 जी, जैसे रात को चंद्रमा, अच्छा, दिन को सूर्य, दिन को सूर्य, ये भगवान की जैसे खिदमत करते हैं। अच्छा अच्छा। ये चंद्रमा और सूर्य, दिन और रात। अच्छा, इसकी स्टोरी है। ये स्टोरी है इनकी भैया। अच्छा, और एक और बात आपने बताई कि जैसे हमारे नारायण जी के 4 मुख हैं, तो एक को नहीं देख सकते, वैसा क्यों? वो ऐसा ना जी, जब पहले पुराना टाइम था नहीं, हाँ जी, वो सती प्रथा थी ना, हाँ जी, तब जब राजा के या उनकी
रानी अकाल हो जाती थी ना, या राजा काल हो गया है, तब वो सती होती थी, वो खुद बेहोश हो जाती थी और वो सती कर देते थे। रानियों को यहाँ लाया जाता था ना, भगवान के पीछे उनको दर्शन कराते थे उस मूर्ति का। अच्छा। मूर्ति है कि ये भगवान के ऐसे आकार जोड़ा है। अच्छा अच्छा। इतना सब बिल्कुल काले रंग का, काले रंग का। हाँ, मूर्ति भगवान की एक ही है। तो अभी कोई भी नहीं देख सकता इस टाइम पे? ना, हम देखते हैं तो बाकी कोई नहीं देखता जी। अच्छा, वैसे क्योंकि जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है ना, हाँ जी, तब भगवान को स्नान होता है, इनके वस्त्र बदले जाते हैं। अच्छा। तब उनको पूरी उससे नवाला जाता है, सारा कुछ। अच्छा, चलो वो तो एक प्रथा थी, जैसे सती को मतलब दिखाया जाता था। दिखाया जाता। अच्छा। तो बेहोश हो जाती थी। तो वैसे क्यों नहीं देख सकते इसे? नहीं जी, ऐसी प्रथा ऐसे नहीं दिखाते शुरू से। हाँ, तब से ऐसा ही है। कुछ तो रहा होगा ना, कुछ इसकी भी स्टोरी होगी। किसको दिखाया है नहीं आज तक। अच्छा, राजा ने बनवाया ऐसे। जी जी जी। कौन से राजा ने बनवाया था? हाँ, साहिल वर्मा। अच्छा, साहिल वर्मन। हाँ, साहिल वर्मा राजा ने बनवाया ऐसे। दसवीं सदी में बनाया जी। दसवीं सदी में जी जी। और हमने आसपास के और मंदिर भी विजिट किए ना, तो उन मंदिरों से ये थोड़ा अलग दिखा, हमें काफी बड़ा दिखा, तो इसका क्या कारण है? ये सबसे बड़ा मंदिर ही है जी। जी, यहीं से सारे ये मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जी, और आगे चंद्रगुप्त शंकर भगवान जी का मंदिर भी देखा ना आपने। जी 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 जी। ये दो मंदिर प्राचीन है और बाकी फिर बाद में। अच्छा, ये चंद्रगुप्त का मंदिर कहाँ बताया आपने? ये राधा कृष्ण के आगे जो है। जी जी, ये पास में। हाँ, पास में, पास जी, में। ये दो मंदिर प्राचीन है, दसवीं सदी, हजार साल पुराने, और बाकी फिर बाद में बनते। बाद में बने, मतलब सबसे प्राचीन हमारे चंबा का ये वाला मंदिर। हाँ, ये मंदिर जो है ना, दो मंदिर सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। जी जी। सो गाइस, जैसे आपने सुना कि हमारे मतलब सबसे जो ऐतिहासिक मंदिर है वो है हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर। इतनी बड़ी विष्णु भगवान की प्रतिमा कहीं नहीं है। अच्छा, इतनी बड़ी मूर्ति कहीं पे भी नहीं, पूरे भारत में? हाँ, पूरे भारत में नहीं है। अच्छा, अच्छा। ये और आगे गौरी शंकर का मंदिर है ना। अच्छा। वो जो गौरी और शंकर भगवान की प्रतिमा जी, हाँ जी, ऐसी प्रतिमा भी आप जहाँ मर्जी तहाँ घूम लो, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो गाइस, जितनी बड़ी मूर्ति हमारे इस मंदिर में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, इतनी बड़ी मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं, हमारे पंडित जी ने बताया। और ये पूरी मूर्ति किस चीज की बनी है? ये संगमरमर की। अच्छा, संगमरमर की बनी है। और इसके अलावा संगमरमर ही है सिर्फ? अच्छा, अच्छा। और ये जो द्वार बने हैं ये किस चीज के? ये तो ये पत्थर के हैं, खंबे जो हैं पत्थर के। और ये कुछ ये लकड़ी पर चांदी का पत्थर है। अच्छा, चांदी का है ना। हाँ, पूरा चांदी का कवर चढ़ा हुआ है। कवर चढ़ा हुआ है लकड़ी पर। और नारायण जी पे जितने भी हार हैं वो सोने के। जी जी। वो काफी टाइम होंगे, राजा के टाइम के होंगे? राजा के टाइम के जी। अच्छा। इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ऐसा ही है, हजार साल से ऐसा है। हजार साल से ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ डायमंड लगा भगवान के। अच्छा, वहाँ खड़े होकर देखो वाला, जाओ वाला, और पीछे हो जाओ, और पीछे। अब देखो जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कितना बड़ा डायमंड है ये पंडित? करा इतना, आधी इंच तक। अच्छा, तो काफी पुराना है ना? हाँ, ये राजाओं के टाइम का जी। जी जी जी। हजार साल से है। हजार साल से है। हाँ जी, ऐसी बात आनी जी। ये यहाँ पर जैसे सभी त्योहार आते हैं। हाँ जी। जैसे अब जैसे मकर संक्रांति आती है ना जी, बिल्कुल, भगवान के चरण को ये घी लगाते हैं। अच्छा, घी लगाते हैं। संक्रांत के दिन, संक्रांत के। अब जो 13 तारीख को संक्रांत आएगी ना, तब इसको निकाल लेंगे। एक महीने के लिए जो ठंडा पानी होता है ना, भगवान के चरण को नहीं लगाते। अच्छा, वैसा क्यों? इसे घृत कम्बल कहते हैं। क्या चीज? घृत कम्बल? घृत कम्बल। अच्छा, घी का कम्बल। अच्छा, घी का कम्बल। अच्छा अच्छा। जैसे पहले तो बड़ा कुछ था जी, लकड़ी देते थे हमें 8 क्विंटल। अच्छा। कोयला देते थे, 4 बोरी कोयले की देते थे। बंद था, कुछ नहीं, और बल्ब हमें अपने लगाना पड़ते हैं। अच्छा। और सारा कुछ अपना करना पड़ता है। जैसे अभी के टाइम पे देखो पैसा हो गया, ठीक है, पैसा आपको देते हैं इस मंदिर में जो कुछ भी है। और पहले के टाइम पे क्या देते थे पंडित? जैसे होते थे ना पहले के टाइम में, तो देखो जी बहुत सीधे साधे टाइम थे वो जी, बाहर से कोई नहीं आता था।
या चंबा से भी खास इतने कोई नहीं है, थोड़े बहुत आ जाते थे, चलो उसमें भी मालक दे देता था गुजारा। और जी पहले टाइम में जी 36 किलो भोग लगता था भगवान को। अच्छा 36 किलो भोग। हाँ 36 किलो चावल। अच्छा हाँ, बाकी दालें और बाकी चीज़ें दे रही अलग ना, पर चावल चावल 36 किलो लगते थे जी। अच्छा हाँ, फिर ऐसा चावलों की भी कमी होती थी ना पहले तो। हाँ ऐसा हुआ ना फिर ये कम कर दिया, अब 4.5 किलो चार किलो भोग लगता है भगवान को। अच्छा हाँ चलो बढ़िया। चलो जी जल की कृपा। तो गाइस आपने जितनी भी बातें सुनी हमारे पंडित जी ने सब कुछ आपको बताया कि किस तरह से प्राचीन काल से आज तक इस मंदिर को चलाया जा रहा है। राजस्थान से आई है, गरनाज से। अच्छा राजस्थान से। हाँ राजस्थान से, फिर 1000 साल पहले। हाँ हाँ 1000 साल पहले भी कश्मीर शैली में तराशी गई। अच्छा मूर्तियाँ तब फिर ये यहाँ कश्मीर शैली में तराशी गई। तो वो राजस्थान से कैसे मतलब? राजस्थान से पत्थर लाए थे जी। अच्छा फिर कारीगर ने जी बनाया भगवान को मूर्ति को। राजाओं के 7 लड़के थे जी। हाँ जी तो राजा ने फिर मूर्ति के लिए जाते रहे ना, 6 तो कामयाब नहीं हुए, वो तो ऐसे हो गए, कहीं आए नहीं, वापस तो नहीं आए, और 7 महीने ये मूर्ति लाई थी। अच्छा अच्छा मतलब 7 लड़के थे राजा के। तो 7ों के लिए राजा ने बोला था कि आपने ये मूर्ति लानी। हाँ मूर्ति लानी है। तो मतलब 6 तो ला नहीं पाए ना, जो 7वां था वो ला पाए। उनका नाम क्या था जो 7वें थे? अब नाम का क्या पता जी, चुखुंडी कहते हैं जी इसको। अच्छा इस चीज को ये जो है चुखुंडी कहते हैं। चुखुंडी जो बीच में बैठने के लिए स्थान। इसमें रामायण पाठ होता है जी, कथा होती है जी। एक बार कैमरा घुमाने, ये गाइस चुखुंडी कहते हैं इसे। यहाँ पे ही सारे पाठ कराए जाते हैं जितने भी हमारे धार्मिक पाठ होते हैं, है ना पंडित जी। और इसमें देखो एक धार्मिक स्थान भी है जी, किसी में झगड़ा हो जाता है ना कोर्ट से बाप यहाँ लाते हैं। अच्छा चले जाओ आप भगवान के आगे, जो झूठा होता है ना मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा जो झूठा होता है इससे कांप जाता है। यहाँ पे रख के हाँ इसके ऊपर चढ़ो भाई आप। हाँ सच्चा कौन है झूठा, जो झूठा होता है ऐसे कांप जाता है। अच्छा और तीसरे नंबर में ये जैसे चंबा का राजा काल हो जाते हैं ना, उनका विश्राम ग्रह भी है। अच्छा काल समझा नहीं कुछ है। मर जाते हैं ना। अच्छा मर जाते हैं ना, उनको देते हैं ना रात रास्ते में विश्राम। हाँ जी हैं, वो विश्राम ग्रह है राजाओं का। अच्छा राजाओं का यहाँ पे विश्राम भी होता था, तो इसकी भी खास स्टोरी है ना। यहाँ से ऐसे ऐसे घूम कर जो लास्टी गेट है ना उससे ले जाते हैं, और सारा मंदिर फिर पानी से धोना पड़ता है। अच्छा और आप कितने सालों से कर रहे हो इस मंदिर में काम? मुझे कोई हो गए 30-35 साल लगातार। अच्छा। पहले भी करते आपने सुने कोई ऐसा केस की मंदिर? मैंने 2 केस देखे ऐसे। देखे खुद दो? अच्छा, क्या क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? यहाँ लाते हैं ना। अच्छा और फिर तिल बिछाना, तिल बिछा देते हैं पूरे पूरे ना इस पर। अच्छा और उसमें पहले तो सोने की रखते, पर अब सोना कहाँ। हाँ, वही और चांदी की 4 ईंटें रखते हैं। अच्छा ये चारों साइड ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे 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 हाँ, उस पर फिर उसको रखना। अच्छा हाँ थोड़ी देर, और यहाँ से ऐसे घूमकर लास्ट गेट से बाहर चल जाना। अच्छा अच्छा फिर हमें पूरा मंदिर पानी से धोना पड़ता है। अच्छा अच्छा पानी डाल कर सारा। किसी का न्याय होते देखा आपने इधर? बहुत न्याय देखे मैंने, बहुत न्याय देखे इसमें। कोई एक स्टोरी बता देना हमें भी। एक ऐसे चुराह ना जगह है ना जी, मैं भी चुराह से मुझे। अच्छा जी जी तो वहाँ से एक औरत आई थी। अच्छा एक मर्द आया था जी उनके साथ, तो कुछ गाय का झगड़ा था जी। अच्छा गाय का झगड़ा था। हाँ गाय का झगड़ा। अच्छा, कितने पता साल नहीं पहले आज गाय मोल ली थी, पैसे नहीं दी थी कि कैसे। अच्छा तो जो मर्द चढ़ गया पहले। अच्छा हाँ फिर वो क्या वो जो औरत इस पर चढ़ी ना वैसे काम की। अच्छा मतलब औरत झूठी थी। हाँ और तो बेचारी बूढ़ी थी थोड़ी। अच्छा ऐसे काम की। अच्छा इसके ऊपर और भी बड़े केस देखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा देखो ऐसा है ना, कभी भूल कर भी इस पर मत, कई काल हो गए खत्म हो गए। अच्छा झूठ जो झूठ। और हमारे एक बहुत पुरानी वो है, हमारे जैसे गोत्रमान में था। अच्छा। एक बंदा तो ऐसा हुआ जे उसने इस घास काटते हैं ना तो फाटी होती है छोटी गली। हाँ उसका झगड़ा था कुछ। अच्छा, उसने झूठ कह दिया भगवान के आगे, वो फिर उसे
से पूरा गला ऐसा खराब हो गया और बुरा हाल हो गया और काल हो गया। मत है मत बहुत कुछ भी हो जाए बच्चों, आप तो जीते हैं नाम तो अब क्या, पर कभी किसी को इस पर चढ़ने मत दो और खुद भी मत चढ़ो। अच्छा, मतलब भगवान की शरण में झूठ कभी मत बोलो। सो गाइस, जैसे आपने सभी आप सभी ने सुना कि जैसे आप सभी को पता है, पहले तो मैं चुरा से हूँ, और जिन लोगों को मतलब जितने भी अपने चुरा के लोग हैं जिनको पता नहीं थी ये स्टोरी, तो आज सुन लीजिए कि हमारे चुरा से ना दो पर्सन आए थे, एक आदमी एक औरत। तो उनमें ना कुछ गाय का झगड़ा था जैसे पंडित जी ने बताया, तो जैसे कि औरत उनमें झूठी थी तो वो मतलब उनके हाथ पर कांपने लग पड़े, और पंडित जी हमें भी कह रहे हैं कि कभी इस पे चढ़ के मतलब कभी कुछ झूठ मत बोलना ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो सच्ची बात। इसके अलावा कोई अलग स्टोरी इस तरह की आपने कहानी हमें बता दी, काफी अच्छा लग रहा है सुनने। चलो जी, आप जी जी और क्या होगी, यही है जी। जैसे देखो आप हमें बता रहे हो, क्योंकि पुरानी चीजें जो है हमारी जा रही है, है ना जी, तो आप हमें बता रहे हो तो हमारी ओर से कोई आगे और सुन लेंगे। बिल्कुल, वो स्टोरी एक बची रहेगी, आगे और सुन लेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, और आते ये तो ठीक है जी जी। जैसे रात को भोग लगता है भगवान को जी, और उसके बाद सैया लगती है। अच्छा जी। तो कभी ऐसा होता है ना, हम बड़े प्यार से, तो सुबह जब मंगल आरती होती है मंदिर को खोलते हैं, हम बहुत कुछ होता है इसमें जी। था वो जो बिस्तर होता है ना, जैसे कोई भाई बंदा लेटा है इसमें, अच्छा आते तन से खराब हो जाता है। तो सुबह जब आप आते हो इधर, तो जब सुबह मंदिर को खोलेंगे ना, अच्छा तो अभी भी वो चीज होती है। कई बार हो जाता है, अभी भी हो जाता है कई बार। एक बार ऐसा हुआ ना, यहाँ बर्फ पड़ी, अच्छा अच्छा, लकड़ी खत्म हो गई, लकड़ी कोयला कुछ नहीं था हमारे पास। अच्छा। तो अरे या मैनेजर होता था ना, उसको कहा भाई मेरे पास नहीं, बोले कोई लकड़ी लकड़ी नहीं है क्या, चलो। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया, भगवान को डाला धूप। अच्छा, मतलब अब मर जाएंगे माल का तू जान हो ले। भगवान की शरण में तो जाना है। रात को उसको ऐसा चमत्कार हुआ ना, और जब बिस्तर पर बेड पर लेट जाता था ना, तब जब नींद आना लगती थी, बेड उसके ऊपर और वो नीचे। अच्छा। पूरी रात उसको सोना नहीं मिला। जब मंदिर की तरफ देखे तो आंधा हो जाए, जब और तरफ देखे तो अच्छा। फिर उसने आकर नाक रगड़ा और यहाँ पर बहुत कुछ किया, और लकड़ी सारा कुछ सारे के पाँव। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज देखो, ये तो आदमी की धारणा है ना जी। बिल्कुल, नहीं तो छात छात भगवान है, कोई ऐसी बात इसमें कुछ नहीं, संदेह नहीं है। बिल्कुल भाई, हमें तो बहुत है चमत्कार होते रहते हैं और हुए भी हैं जी, हम झूठ नहीं रहते भगवान के। बिल्कुल। हाँ, जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे एक औरत आई, मतलब साल पहले की बात है जी, वहाँ बैठ गई, कोई आधा घंटा उसने ध्यान लगाया। अच्छा। हम तो इतने नहीं गौर करते थे ना, उसने कहा भगवान को पसीना आया बोलो, और बाकी भगवान को मैंने भी देखा ना पूरा पसीना। अच्छा। तो ये चमत्कार, कभी रूप ऐसा हो जाता है ना, ये कुछ बात कर रहे हैं, कभी ऐसा डरावना रूप हो जाता है, देखने से भी कतराते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब खुद जैसे रूप बदलते रहते हैं भगवान। अच्छा। चलो, इनकी लीला ही जाने, हम क्या जान सकते हैं, इनकी लीला वही जाने। जैसे लड़कियां जवान हो चलती है ना जी, 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 तो उसकी पूजा करती है सोमवार को, है जी, तो साल में 6 महीने में उनकी शादी अवश्य हो जाती है। अच्छा जी। जी। भगवान का, गौरी शंकर का चमत्कार है जी ये सारा। बढ़िया, काफी अच्छी अच्छी स्टोरी बता रहे हो। चलो, सुखी रखे भगवान, सदा सुखी रखे जी, जी। भगवान शुरू शुरू में भगवान ये भाग जाते थे। अच्छा, भाग जाते थे, वो कैसे मतलब? वैसे होता था ना। अच्छा। सिर्फ कहते हैं ना कि बुजुर्ग बुजुर्ग भाग जाते थे। फिर ऐसा हुआ, ये ऊपर शामदार है ना। अच्छा। वहाँ पीर बाबा रहता था। अच्छा सर। फिर उनने बहुत देखो कितने यंत्र पड़े हैं। हाँ जी। अभी तो फूल के बीच में ढके हैं ना। हाँ जी। मतलब कोई कम से कम कोई 200 यंत्र पड़ा है भगवान को सोने का। अच्छा। तो ऐसा होता था ना जी, जैसे कहीं नई शादी हो जाती थी ना, तो ये
भाग जाते थे। अच्छा, फिर बहुत जो सारा कुछ भी कील लगा हुआ है, यहाँ सिद्धमुखा कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये जो है ना गरुड़ भगवान के आगे बस नजर आएगा आपको रास्ते में। अच्छा हाँ, वही कहते हैं हमें प्रभु जाने, हमें मालूम नहीं। बिल्कुल ऐसा ऐसा भी कहते हैं इनको। अच्छा, बाहर की जो चित्रकला है ना जी, ये 15वीं शताब्दी में बनी है। अच्छा हाँ, तो मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में बताया, ये 10वीं में हुआ। तो चित्रकलाएं कैसे, मतलब ये जो चित्रकलाएं कैसे 15वीं शताब्दी जो जितने देवते बने हैं ना चित्रकला, ये 15वीं शताब्दी में, ये मंदिर के ऊपर बाद में बने, ये बाद में बने। अच्छा, इनको मंदिर के ऊपर ही तराशा जाता है। ये फिर बाद में जैसे पत्थर के ऊपर। अच्छा अच्छा, निकाले गए। इस चीज का मेरे को बड़ा डाउट था। जैसे होता है ना पहले किस तरह से चिनाई होती थी मंदिर की, थोड़ा बताना हमें। ये पता नहीं अब क्या डालते थे जी, अब हजार साल की बात है। पर देखो ये एक पोषण निकाला था ना जी, ये वाला अभी भी पत्थर अलग दिखाई देगी आपको, भगवान के ऐसे चक्कर लगाएंगे ना। तो एक ईंट को एक कारीगर 3 दिन में निकालता था, एक ईंट को। मतलब पहले ईंटों को चीना जाता था। हाँ, चीना जाता था, उसके बाद उस पर चित्रकलाएं बनाई थी। सो गाइस, इस चीज का मेरे को बहुत ही बड़ा डाउट था, क्योंकि पीछे हम इसमें जैसे चूना सुरकी ऐसी कुछ चीज डालते थे उस टाइम। सीमेंट तो अभी चला है, सीमेंट तो तब। मैं पता क्या सोचता था, मैं सोचता कि पहले नीचे बना लेते थे ना इस पे ईंटों पे, उसके बाद चीनते थे इसको। नहीं नहीं नहीं, आप भी ऐसे सोचते थे ना। ये बाद में निकाले हैं, जितनी देखो ये कितनी चित्रकला है जी, ये सब बाद में निकाले। अब तो बहुत खत्म हो गया ना इसमें, ये जैसे पूरा ब्रह्मांड निकाला था उनने। अच्छा, और सारे देवते सारा कुछ, मतलब ये जितने भी मंदिर बने हैं यहाँ पे, पूरा ब्रह्मांड है इस पे चित्रकलाओं में। चित्रकला में पूरा ब्रह्मांड, पूरा जितने देवी देवता है। और जी जी, जो लास्ट में मंदिर है ना लक्ष्मी दामोदर का, वहाँ भी बहुत चित्रकला है। जैसे पुराने टाइम की कोकसात्र की चित्रकला है वहाँ। अच्छा, जैसे इस तरफ कोने में आपने देखते जाना जी, अभी हम देखेंगे, सारा देखेंगे अभी हम, तो उसको भी देख लेना जी। वो पुराने टाइम थे ना, तब की है वो। जैसे कोई भी कहाँ भी कितने भी मंदिर है ना, ये कोकसात्र की वो चित्रकला सभी में मिलेगी। हाँ जी, क्योंकि पीछे हम बड़े मंदिरों में गए, हमने विजिट किया, हमारे चंबा के ही थे, तो हम सोचते थे कि ईंट को मतलब पहले उस पे चित्र बना के उसके बाद चढ़ाया जाता। नहीं नहीं नहीं, आज ये बात क्लियर कर दिया पंडित, ये बात मैंने निकाला सारा कुछ चित्र ना। अच्छा, ये 15वीं शताब्दी में। अच्छा, बना 10वीं शताब्दी में, और वो तो टाइम लगना था, जब एक ईंट को एक पर्सन 3 दिन लगा रहा है, तो वो तो 15वीं शताब्दी बनना ही था। 3 दिन से एक ईंट निकालते थे एक कारीगर। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं आज के टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बन सकता है। ऐसे कारीगर कहाँ मिलेंगे। देखो ये इतना पत्थर कैसे तराशा है उस टाइम, हजार साल पहले इतना लंबा इतने पत्थर कहां से? अब तो देखो मशीन चली, औजार चले, हर चीज है वहाँ। हजार साल पहले तो कुछ नहीं था। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से मतलब काफी दूर तक बड़ा पत्थर होगा और उसको बीच से वहीं से काटना शुरू कर देते हैं। देखो ये पूरे पत्थर के हैं। हाँ, ये ना बीच में जोड़ा थोड़ी है इस पे। जोड़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ये चीजें हमें कितने देखो भूकंप गए, कितना कुछ हुआ जी, आज तक एक बार तक ये हिला नहीं है ना, एक बार तक ऐसे हिला नहीं। इसकी जो मुनायद है ना, वो जैसे चुगान है ना, उसके लेवल का कर। अच्छा जी, नीचे को। हो भाई, अभी गाइज अभी जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, यहाँ से चौगान काफ़ी दूर है। आप सभी को बता कि चंबा जो मेन मार्केट है, मेन मार्केट रख लो, जो मेन रोड है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। पंडित जी कितना कर होगा फिर भी, कोई एस्टीमेट थोड़ा सा? अभी भगवान ही जाने। चलो जितना भी यहाँ से मतलब आप सड़क ले लो, नीचे हाइट देख लो, और सड़क और इसकी हाइट देख लो, तो ये मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ था, तो मतलब इसकी जो मुनियाद होती है ना, वो उस लेवल की मुनियाद है गाइस। मतलब को क्या क्या मटेरियल डालना होगा, उस लेवल की होगा, उस लेवल की मुनियाद पड़ी है वो मंदिर को। अच्छा, और राजाओं के काम थे जी महाराज। बिल्कुल, राजा के काम थे, राजा की लेबर थी। लेबर थी। और
राजा चाहे तो इनकार तो कोई करता नहीं था जी, राजा चाहे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को ही काम पे लगा दिया राजा है ना। एक बार ऐसा हुआ ना, ये एक बेचारा बंदा था जी। राजा सौ ना जगा सौ गए अपने ही गए साव, अच्छा साव अपना हाँ जी गए जी जी गए। शंकर भगवान का मंदिर देखा, ये जो हनुमान मंदिर है वो क्या और है? नहीं, शंकर भगवान जी का मंदिर है। नहीं नहीं, इतना शिवलिंग हमने कहीं नहीं देखा है। अच्छा, इतना बड़ा है उसको, एक बड़ी स्टोरी है वो भी। अच्छा अच्छा, ऐसे हुआ ना, वो पानी में इतनी सी पिंडी, इतनी सी पिंडी अच्छा दिखाई दी। उसने सपना दिया भाई मुझे ले जाओ तो पालकी में डालकर, अच्छा, जहाँ मैं भजन हो जाएगा वहाँ बैठा दो। अच्छा हाँ, ले गए वहाँ भजन हो गया, वहाँ बैठा दिया। अब वो निगे बंद कर देना, बोले बंद करते करते वो इतनी हो गई और छत तक जा पहुँची है। अच्छा। फिर सपना हुआ आप बोलो मुझे बंद करना चाह रहे तो मैं छत से बाहर चल जाऊँगा। अच्छा, फिर बंद कर दिया उसको। कभी जरूर जाना बच्चा, जरूर जाना देखने वाली। और अब बछुआ है उस ग्राउंड में, उसके गले को आप ऐसे करो ना जैसे घंटी की आवाज आती है ना, वैसे आवाज आती है उसके गले से। पत्थर के बछुए के बैल, पत्थर का बैल वो भाग जाता था रात को खेत करने में, सुबह आ जाना। फिर ये किसी ने देख लिया जाए तो उसके बाद फिर कलयुग भी आ गया। लीला है ना प्रभु की। तो वो मंदिर कितना पुराना होगा? सौ वाला। हाँ जी, अब नहीं मालूम जी। अच्छा, उसका निर्माण लिखा है वहीं पर। अच्छा, अब ऐसा मालूम नहीं। पर तब फिर इतनी बड़ी पिंडी है, इतनी बड़ी। सो गाइस, जितना कुछ हमारे पंडित जी ने बताया, अभी हमारा जो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो या उसके बाद की वीडियो वहीं की हो, हम उस मूर्ति को, उस पिंडी को दिखाना चाहेंगे जो हमारे शिव शंकर जी का चमत्कार था। और बाकी हमारी जितनी भी बातचीत हुई पंडित जी के साथ, आपने सुनी, काफ़ी अच्छा लगा पंडित जी, काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें सीखने को मिली। और देखो जैसे आप हमें बता रहे हो तो हम भी आगे बताएंगे, हमसे भी कोई सीखेगा, ताकि ये चीज़ें बची रहें। सच कहे क्योंकि ये चीजें जा रही है। नहीं तो देखो जी, इतिहास है, नहीं होगा तो आगे बचेगा क्या? वही है ना। और आज का जो यूथ है, आज की जो नई पीढ़ी है, इस चीज को जानना ही नहीं चाहता। नई पीढ़ी तो जानती नहीं ना कुछ जी, उनको क्या मालूम जी क्या कुछ है। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें बचानी चाहिए और जानना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो गाइज, आज की इतनी सी बातचीत थी हमारे पंडित जी के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। और अभी थोड़ा ना पूरा मंदिर के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाऊँगा, एक से एक चीज़ दिखाऊँगा। और फिलहाल पंडित जी से अलविदा लेते हैं, क्योंकि पंडित जी का टाइम हमने थोड़ा ले लिया। चलो ठीक है पंडित जी, चलो सुखी रखे भगवान, चलो आशीर्वाद दे दो और कुछ नहीं, सदा सुखी रखे ए निकाल लो। गाइस, पंडित जी से हमने अलविदा ले लिया और फिलहाल पूरे मंदिर का आपको ना सब कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कुछ भी रहने वाला है और जितनी बातें हमारी पंडित जी ने बताई हमें। सो गाइस, जैसे हम इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह का कुछ तराशा हुआ मंदिर देखने को मिलता है। और जैसे गाइस हमारा आज ना डाउट सा क्लियर हो गया, जैसे मैं सोचता था कि ईंट पे ना नीचे रख के उसको तराश के फिर चढ़ाया जाता था, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये ईंट है मान लो, तो इसके ऊपर ही वो जी उस चित्रकला को बनाया जाता था। आज हमारे पंडित जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी मतलब इस तरह का कुछ हमने देखने को मिलता है। और गाइस बिल्कुल राइट साइड देखूँगा तो यहाँ पे ना काफ़ी अल्टीमेट देख सकते हो, ये चित्रकला बनाई गई है। ये देखो मतलब फूल वगैरह भी बनाए हुए हैं। मतलब जैसे कि गाइस हमारे पंडित जी ने बताया ना, पूरे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं उन सभी को इन मंदिरों में तराशा गया, बनाया गया, मेंशन किया हुआ है। और इसका थोड़ा ना राउंड शेप में चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे इस तरह की हमें मूर्ति देखने को मिलेगी, पत्थर से बिल्कुल तराशी हुई। और ऊपर तक मतलब काफ़ी लंबा ही है, ऊपर तक देख सकते हो काफ़ी ऊँचा है, तो देख ही सकते हो। और ऊपर इसके ऊपर ना कबूतर भी है। तो बाकी थोड़ा इस साइड चलेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हो ना मूर्तियाँ बनाई गई हैं, पत्थर से तराशी गई हैं। तो बस देखते जाओ गाइस, यहाँ पे बहुत कुछ है, हमारे चंबा में पहले ही बहुत कुछ है। तो आज ना काफ़ी सारे डाउट्स भी थोड़े थोड़े ब्लीच में क्लियर हो गए और काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ देख सुनने को मिली। ये देखो मतलब किस तरह से सारे मंदिर, और ये यहाँ पे ये मंदिर देखो।
और थोड़ा गाइज इस साइड आएंगे, घूम के आएंगे, तो यहाँ पे मतलब गाइज कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी ईंट नहीं होगी जहाँ पे कोई चित्रकला नहीं है। और ये देखो यहाँ पे मतलब किस तरह से थोड़ा दूर से एक क्लिप लेना कितना बड़ा ये बनाया गया, काफ़ी ऊंचा है। और थोड़ा ही हम इस साइड चलने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का काफ़ी बड़ा प्लेस दिखता है। और तो गाइस अभी थोड़ा इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। सो गाइस ये है ना टेंपल का फ्रंट व्यू, बिल्कुल यहीं से हमारा जो मंदिर की शुरुआत होती है, एंट्री पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। गेट भी दिखा देना थोड़ा सामने, यहीं से यही एंट्री पॉइंट है। और इस तरफ जो हमारा मंदिर दिखता है ये है सामने का एरिया, बिल्कुल सामने स्ट्रेट। और अभी थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखाने को आप सभी को। और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे खैर चित्रकलाएँ नहीं है बट यहाँ पे हमें मतलब पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पे बनाया जाता था चित्रकलाओं को। और थोड़ा इस तरफ आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से एक ना पूरा दिखाना, सबसे पहले तो देखो कितना बड़ा प्लेस है, कितने चारों तरफ मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी प्यारा। ये देखो एक मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ से स्टार्ट है और मतलब पूरी तरफ मंदिर है। अभी फ़िलहाल जाएंगे सामने गाइज, इस तरफ देखेंगे तो हमें बीच में लकड़ी भी मिलती है, लकड़ी का भी देखने को मिलता है और बीच में बैठने के लिए भी स्थान है। और ठीक बिल्कुल गाइज यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल मतलब पत्थर से तराशी गई मूर्ति है ये भी, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी बिल्कुल सामने देखोगे तो काफ़ी बड़ा मंदिर। और इसके ना ऊपर दिखाना, यहाँ पे देखो मूर्ति कितनी बड़ी बनी हुई है, कितना बड़ा मुँह बना हुआ है। और ये देखो मतलब काफ़ी अल्टीमेट है यार, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 10वीं शताब्दी में पूरे इस मंदिर का निर्माण हुआ था और 15वीं शताब्दी में इसकी जो है चित्रकलाएं ये तराश के पूरी हुई थी। और फिलहाल अभी अंदर जितने भी गेट हैं गाइस बंद हैं तो बाहर से ही दर्शन कर लो। ये देखो किस तरह से मतलब जैसे हमारे पंडित जी ने बताया कि जो एक कुछ घी वाला कुछ परत बताई थी तो ये यहाँ पर भी चढ़ी हुई है सामने, अभी देख सकते हो। सो गाइस अभी देख सकते हो ये है यहाँ का मंदिर, तो अभी गेट वगैरह बंद रहते हैं तो यहीं से दर्शन करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे ना घी वगैरह की परत भी चढ़ी हुई है, जय भोलेनाथ। गाइस इसी मंदिर के बिल्कुल साइड में हमें देखने को मिलती है मूर्तियाँ नहीं सॉरी ये पिंडियाँ छोटी छोटी, तो यहाँ पर भी देख लीजिए काफ़ी ओल्ड है। और ये देखो मतलब ये लकड़ी का देखने को मिलता है और ये है पत्थर, ऊपर इसकी छत भी पत्थर की है। और बाकी अब नेक्स्ट यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की चित्रकलाएँ देखने को मिलती हैं। ये देखो ना पूरा मतलब मैंने जैसे आपको गाइस बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छूट रहा जहाँ पे कोई चित्रकला ना बनी हो। तो इसको पूरा पूरा आप देख सकते हो कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ है, किस तरह से इसको बनाया गया है। और ये चीज़ काफ़ी यूनिक है गाइस, जैसे कई बार होता है ना कि अंदर कुछ भी शायद सफाई वगैरह हो या कुछ भी, तो यहीं से होकर वो चीज़ बाहर निकलती है। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है कि इस तरह से देख सकते हो ना बनाया गया है इसको, मतलब वही बात आ गई ना कि विश्वास नहीं होता कि इस तरह की चीज़ें किसी ने कभी बनाई होंगी। और ठीक बिल्कुल इस तरफ देखो ऊपर तक बनाया गया, और ऊपर गाइस हर किसी मंदिर के बिल्कुल छत पर ना सारे सारे कबूतर बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी प्यारा है। और छत जो है ना इसकी लकड़ी की बनी हुई है और ऊपर शायद पत्थर की इसकी छत होगी, लकड़ी और पत्थर मिक्स है। और इसके बिल्कुल गाइस साइड में देखेंगे तो कुछ घर जैसा बना हुआ है, अभी इसके बारे में हमें पता नहीं ये क्या है, ये मंदिर के अंदर होगा, काफ़ी पुराना है ये भी देख सकते हो ना, लकड़ी का सारा सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी ओल्ड है ये भी। तो थोड़ा इस तरफ आएंगे तो गाइस हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। अभी ये देखो गाइस हमारे बिल्कुल ठीक सामने कुछ इस तरह की हमें मूर्ति देखने को मिलती है, अभी क्लोज से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पत्थर की है, ओ भाई साहब। सो गाइस जिस चीज़ की भी बनी होगी ना, ये पत्थर होगा या कोई भी अलग धातु होगी, जो कुछ भी होगा, बट गाइस मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार, कितनी बड़ी मूर्ति है हमारे नंदी बैल की, तो काफ़ी मतलब बड़ी है। अभी थोड़ा यहाँ से भी दिखाना इसको राउंड शेप में थोड़ा, देखो भाई सामने देख सकते हो ना काफ़ी बड़ी मूर्ति है हमारे नंदी बैल की, जिस भी पत्थर से बनाई होगी, जिस भी कलाकार ने इसे तराशा होगा, बनाया होगा, वो उन्हीं को पता है कि कितनी मेहनत लगती है।
सो गाइस जहाँ पे ना टेंपल का एंड पॉइंट रहता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह का। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक अंदर देख सकते हो, एक इसमें मूर्ति है, पिंडी है देख सकते हो, यहाँ पे मूर्ति है बनी हुई। यहाँ पे लिखा भी है श्री लक्ष्मी नाथ, यहाँ पे भी लिखा है श्री नर्वदेश्वर महादेव, श्री नर्वदेश्वर महादेव, और यहाँ पे भी लिखा होगा श्री सीताराम चंद्र। तो यहाँ पे ये इनकी मूर्ति है, यहाँ पे दिखाना, और यहाँ पे लिखा है श्री नरसिंह महाराज, तो ये नरसिंह महाराज हैं। और यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे थोड़ा ना मैं दिख नहीं रहा, श्री दर्शनाग। तो गाइज़ ये है श्री दर्शनाग, तो देख लीजिए मतलब किस तरह से, हाँ श्री दर्शनाग। तो यहाँ पे देखो किस तरह से मतलब इनकी मूर्ति वगैरह काफ़ी पुराने टाइम से आपको जैसे पंडित जी ने बताया, और यहाँ पे भी दिखाना। और गाइज़ ये था हमारे मंदिर का, इस मंदिर का एंड पॉइंट। तो आपने देखा काफ़ी मतलब पूरा मंदिर चित्रकलाओं से और हमारे इतिहास से भरा पड़ा है। और यहाँ से ना पूरा व्यू देखना गाइज़, यहाँ पे काफ़ी मतलब इन्हें बड़े बड़े मंदिर देखने को हमें मिलते हैं। आ जाओ भाई गाइज, हमारा चंबा चिड़िया, सोने की चिड़िया, चिड़िया का सोना नहीं, सोने की चिड़िया। यहाँ पे ना बहुत कुछ है दिखाने को, बट लोगों को दिखता नहीं है वो, हम निकालेंगे उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी ओल्ड है, जो कुछ भी पुराना है, जो कुछ भी ऐतिहासिक है, आप सबको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी गाइज़ ये था यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर, आई होप आपने विज़िट किया होगा। अभी कुछ चीज़ छूटती है तो यहाँ पे थोड़ा स्टे करके उस चीज़ को देख लेते हैं, बाकी मुझे लगता है हो ही गया कवर, है ना। सो फाइनली फाइनली गाइज़ यार, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसा लगा हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो विज़िट किया था हमने इसको, हमारे मंदिर को, काफ़ी मतलब प्राचीन एक्सपीरियंस था। और आपको कैसा लगा हमें बताना कमेंट में, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके। और हमारी जितनी भी बातचीत पंडित जी के साथ हुई वो आपने सुनी, हमने जितने भी मंदिर आपको यहाँ पे जितना भी सब कुछ दिखाया वो आपने देखा। तो इस सभी चीज़ों को देख के ना वीडियो को आगे भी शेयर करना है ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और गाइज़ ऐसे ही मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन से मंदिर में जाके बनाऊं, तो आपने एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना है। गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।